पानीपत फिल्म आपको कैसी लगी? पैसा गया फालतू का, इतना अच्छा दूसरे पे खर्च करते, इतना बकवास मूवी बनाया, पता नहीं क्या कैसा बना। अच्छा अच्छा, अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए? ठीक था परफॉर्मेंस, लेकिन इतना भी सब एक्सेलेंट नहीं था। अच्छा, बाहुबली किया था बाहुबली में वैसा कुछ नहीं हुआ, जैसा बाहुबली में अच्छा काम किया था वैसा नहीं हुआ। क्या संजय दत्त आने पर स्क्रीन खा जाते पूरा? क्या लगता है बहुत ज्यादा लंबी हो गई? लंबी नहीं, कल ही हट जाएगी। अच्छा मतलब आपको ऐसे ही लगा कि कुछ ज्यादा ऑथेंटिक दिखा रहे या फिर क्या, कुछ कहाँ कमी लगी जो आप लोग को क्या मतलब? एक तो क्या है इसमें जो ग्राफिक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया उसमें कुछ वो नहीं है, एक्चुअली नहीं कुछ नहीं दिखाया इसमें। अच्छा, उसमें कुछ नहीं, सब ग्राफिक्स कंप्यूटराइज है। दूसरा एक्टिंग कास्टिंग भी इसमें ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं थी, अर्जुन कपूर अपने रोल को पूरी तरह से निभा नहीं पाए। अच्छा, संजय दत्त ने फिर भी कुछ छोटा ठीक किया, थोड़ा अच्छा लगा। तो क्या ऐसा कुछ लगा कि संजय दत्त के सामने अर्जुन कपूर पानी कम चाय लग रहे थे? वही बात हो गई, आप बता रहे हो पानी कम चाय। तो कोई और शायद एक्सपेक्ट करे थे आप, कोई बहुत बड़ा कोई हीरो होता या फिर संजय दत्त के बराबर तो कुछ टक्कर होती? अगर इसकी अच्छा अर्जुन कपूर प्रभास होते ना तो बात बन सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, आखिर में चलो जाना चाहेंगे आप लोगों से, दोनों रेटिंग क्या देंगे पाँच में से? पाँच में से एक नंबर देंगे हम। अच्छा, आप सर? तीन नंबर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने फिल्म देखी यहाँ पर पानीपत, कितना लगा ये फिल्म, कितनी बढ़िया है या कैसा कुछ कहेंगे? द मूवी इज रियली गुड, इसमें लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट द पानीपत वॉर्स, द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, तो उसका काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है मूवी में। आशुतोष वाकर ने काफ़ी अच्छी तरह से होमवर्क करके आया, जो होमवर्क जो रहता है आप एग्जाम में जब आप बैठे, उन्होंने पूरी मूवी का होमवर्क कर दिया, एक एक उसमें डिटेल दिया गया कैसे कैसे हमारे राजा लोग आपस में लड़ लड़ के जो जीते हुए जंग को हरा देते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में द वॉर्स का जो आर्टिलरीज है आप देखेंगे, काफ़ी वॉर्स मूवीज़ में वॉर्स दिखाया लेकिन सारी डिटेल वॉर्स में नहीं दिखाई, यहाँ पे दिखाया आप कैनन कैमल के ऊपर आप कैनन लेके दौड़ रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू हैव जस्ट लाइक ये सारे मूवीज़ में फिर कैनन की फाइटिंग, फिर सिंगल वॉर्स आप एक क्या बोलते एक लीडरशिप दिखाया गया उसमें किस तरीके से वॉर्स जीता जाता है, दोनों साइड से पॉजिटिव मराठी कल्चर का भी अच्छी तरीके से ओपनली दिया, मर्द मरद का सॉन्ग इज दैट, आप देख सकते गणपति मित्र हाउ द महाराष्ट्र दे शो देयर कल्चर, इसलिए भी मूवी में मराठी कल्चर का बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंटेशन किया। तो टॉक अबाउट द प्रोडक्शन डिजाइन, व्हाट डू यू थिंक? प्रोडक्शन इज लाइक इट्स वेरी बिग प्रोडक्शन और दैट वॉज कम्प्लीटली इन डिटेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दिया, एंड डायरेक्शन वाइज आई गो फॉर डायरेक्शन आशुतोष वाकर ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया, जो आफ्टर दैट जोड़ा अकबर जो हिस्टोरिकल लाइक मूवी ही हैड मेड इन द पास्ट, ज़्यादा भी उन्होंने हिस्टोरिकल मूवी चूज और ये तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट उनके करियर में। कैन वी कॉल इट हिज कमबैक मूवी आफ्टर अ लॉट ऑफ फ्लॉप्स? डेफिनेटली सर, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फील लाइक उनका काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन। Anything that you really liked or anything that you really didn't like? Any, you want to specify about that? Little movie gets slow though in the first half. Thoda like a wedding. Thoda sa ye khicha ho gaya. Otherwise, when you come for the second half, like it's really good movie. Sure. When it was you mostly come and sit. You don't want to miss any of the sort of scene in that movie. So, kitna star rating dena chahenge out of 5? I'm a history lover, so I give 5. If you are coming and watching this movie, you should come and watch it. Okay. I mostly love history. Okay, thanks a lot, buddy. पानीपत फिल्म आपने देखी, हिस्ट्री से जुड़ी हुई फिल्म, इतिहास से जुड़ी हुई, शायद बहुत वक्त के बाद एक बड़ी फिल्म आई, कैसी लगी आपको? ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और जो समाज अपनी तारीख को नहीं जानता उसका मुस्तकबिल गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। और पानीपत की तारीख सिर्फ मराठों की तारीख नहीं है, अच्छा, इस जमीन की तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख है, और 1760 में मराठे जो कि तंजावुर दक्षिण में तंजावुर और ऊपर अटक मतलब ज़्यादातर हिंदुस्तान जो है उसमें काबिज थे, वहाँ वो हार गए, उसके बाद भी उन्होंने दिल्ली काबिज की, लेकिन आप देखोगे 1818 में मराठा शाही खत्म हो जाती है, सल्तनत खत्म हो जाती है और बाद में ब्रिटिश जो है वो इस ज़मीन पे काबिज हो जाते हैं, तो इस पर्सपेक्टिव में ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आशुतोष गोवारीकर का कि ऐसी इंपॉर्टेंट फिल्म जो है और इतनी हिस्टोरिकल ऑनेस्टी के साथ, ये कोई हिंदू मुस्लिम वाली फिल्म है,
लड़ाई नहीं थी, आप देखोगे इब्राहिम खान गार्दी जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे वो मराठों का सपोर्ट, ऑफ कोर्स कई तो जब खाने की जरूरत पड़ी तो कई नवाब की मतलब एक कुछ क्वींस थी मुस्लिम सल्तनत की, उन्होंने उनको मदद की थी। तो ये जो है ये इस मुल्क की जमीन की तारीख है और आज की तारीख में ये फिल्म बना के काफी अच्छा काम। व्हाट डू थिंक कि इस तरह की हिस्टोरिकल फिल्म बनाना अपने आप एक बजट बहुत ज्यादा होता है, एक फियर भी होता है प्रोड्यूसर में कि भाई इतना बड़ा बजट डाल रहा हूँ, तो क्या लगता है पब्लिक इस फिल्म को पसंद कर पाएगी या वो बजट वसूल होगा या आई मीन जस्ट टॉक अबाउट लाइक मराठी जैसे छोटी छोटी मुहिम नहीं लेते थे वैसे आशुतोष गोवारीकर भी छोटी मोटी फिल्में नहीं लेता। इसके पहले आपने देखा अकबर की फिल्म बनाई थी, लगान की फिल्म बनाई थी और अब ये फिल्म बनाई है। मुझे लगता है कि आशुतोष गोवारीकर की खासियत ही इसी में है, उनकी जो आधी फिल्म जो होती है ना वो टेबल पे एडिटिंग टेबल पे बनती है, बिल्कुल बिल्कुल, और जब उसमें ऑनेस्टी होती है ना तो वो पर्दे पर भी उतर आती है और इसीलिए उनकी फिल्म इतनी उम्दा और इतनी बढ़िया बनती है। देखिए आज देश में हमारे पास सबसे बढ़िया VFX बैंगलोर में बनते हैं, जंगल बुक का VFX ऑस्कर विनिंग बैंगलोर के लैब्स में बना। अच्छा अच्छा, तो हमारे पास ये है, हमारे पास बेस्ट राइटर्स हैं, बेस्ट हीरोज हैं, लेकिन ये सबको एक साथ रखना, जैसे सदाशिवराव भाऊ ने 1,00,000 लोगों के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ी, उसी तरह से इन सब टैलेंट को एक साथ पिरोना और हिस्ट्री से ऑनेस्ट रहना, इसकी वजह से जो फिल्म आप देख रहे हो वो बन पाई। Finally, a few words about Sanjay Dutt and Arjun Kapoor's honest performance. Arjun Kapoor and Sanjay Dutt's honest performance. What do you think? Were they honest or like what? Okay, if you want in English. नहीं कैसे भी आप characters कैसे लगे दोनों के मतलब. So Sanjay Dutt जो है, Sanjay Dutt evokes fear. Sanjay Dutt डर एक तरफ लाता है, दूसरी तरफ उसकी एक मासूमियत भी बाहर आती है कि वो अलग एग्जाम्पल होगा, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो बड़े दिखते हैं लेकिन होते बहुत मासूम हैं, वो एक मासूमियत भी है अफगानी की, वल्नरेबिलिटी है। अच्छा, जब ये पता चलता है कि यहाँ वो मराठों से लोहा मनवा रहा है और वहाँ सरफराज उनके ही रिश्तेदार उनका तख्ता पलट कंधार में कर रहे हैं, तो तब जो है कि उसके वापस जाने का जज्बा बीच में आ जाता है और फिर सदाशिवराव भाऊ मरने के बाद जो खत वो भेजता है और जिसमें उनकी बहादुरी की वो तारीफ करता है, तो अच्छी जो अच्छा जो योद्धा होता है, अच्छा जो तलवारबाज या अच्छा जो ये होता है, तो उसकी खासियत यही होती है कि वो अपने दुश्मन की भी दुश्मन की खामियां जैसे देखे वैसे उसकी अच्छाइयों की भी तारीफ करे। एक्चुअली तो ये कुछ निखार लाने वाली चीजें फिल्म में। सो फाइनली आप अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखी, उन्हें कितनी अच्छी लगी और रेटिंग क्या होगी फटाफट? नहीं, उनको भी अच्छी लगी और उनको भी उनके भी रोंगटे खड़े हो गए जैसे मेरे। मैं रेटिंग इसको 4 दूंगा। ओके, थैंक यू सर।